नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। 5 लोगों की टीम बनाकर सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे करेगी, कोर्ट ने कहा है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सर्वे का फैसला सुनाया है। सर्वे होगा, 5 लोगों की टीम इलाके का सर्वे करेगी, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में कोर्ट का ये फैसला, 5 लोगों की टीम सर्वे करेगी, एक टीम बनाने के लिए कहा है। सुशांत मुखर्जी न्यूज स्टेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, बताइए क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, वाराणसी के सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सर्वे का फैसला सुनाया गया है। दरअसल 1991 से सर्वेक्षण को लेकर जो मामला चल रहा था कोर्ट में, उसके लिए आज एक बड़ा दिन आया है जब हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है। दरअसल कैनापी पूरा परिसर है, वहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग को सर्वे करने की अनुमति मिल गई है। यानी कि जो हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है कि जहां पर ज्ञानवापी का जो ढांचा बताया जाता है, जिसे एक पक्ष मस्जिद करार देता है, वो दरअसल पूरी तरीके से वहां पर मंदिर थी। और इसी बात को लेकर स्वयंभू शिवलिंग के जो वादी हैं विजय शंकर रस्तोगी, वो लगातार इस केस को लड़ रहे थे। और अब इसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज ये फैसला सुनाया गया है कि अब जो पुरातत्व विभाग है वहां पर सर्वे करेगा। इसके लिए 5 विद्वानों की एक टीम बनाई जाएगी केंद्र सरकार के देखरेख में, और ये टीम कोर्ट में जाएगी, कोर्ट इस टीम को देखेगी और कोर्ट के अनुमति के दौरान इस टीम, ये जो टीम है, पुरातत्व विभाग के साथ सर्वे करेगी। और इस सर्वे का, हालांकि सर्वे का जो रिजल्ट है उसके लिए कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, पर अगली जो तिथि है वो 31/5/2021 की है और उस दिन फिर से कोर्ट सुनवाई करेगी। तो माना जा रहा है कि इतने दिनों के अंदर सर्वे की एक प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करके दिया जा सकता है कोर्ट में। हालांकि इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है, पर जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने इस पूरे केस को लड़ा है और उसके बाद आज